जाकर ईडी नेशनल हेराल्ड केस में गांधी फैमिली की भूमिका की पड़ताल कर रही है। 5 राउंड की पूछताछ राहुल गांधी से हो चुकी है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं 50 घंटे तक पूछताछ हुई है। कई सवालों का सामना राहुल गांधी को करना पड़ा, लेकिन अब बारी सोनिया गांधी की है। 8 जून को पूछताछ सोनिया गांधी से होनी थी, लेकिन उनकी खराब तबीयत की वजह से 23 जून को अब उन्हें बुलाया गया है। जब सोनिया गांधी का सामना होगा ईडी से, तो क्या सवालों की सूची एक सी ही रहेगी या सोनिया गांधी के लिए कुछ और भी सवाल ईडी के पास हो सकते हैं? और इस मामले में मैंने कई अधिकारियों से बात की ईडी की, और उनका यह कहना है कि देखिए, राहुल गांधी से सवाल जवाब इसके लिए भी जरूरी था क्योंकि वो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर थे और गांधी परिवार से पहले वो डायरेक्टर थे। सोनिया गांधी उनके बाद डायरेक्टर बनी है। तो अमूमन जो आपने सवाल किया हुआ है कि जो सवालों की सूची होने वाली है क्या वो वही रहेगी या वो बदलने वाली है, तो हमें जो पता चल रहा है कि लगभग जो सवालों की सूची है वो एक समान रहने वाली है, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भूमिका को लेकर अलग सवाल भी रहेंगे। अमूमन जो सवालों की फहरिस्त थी उसमें शेयर होल्डिंग की अगर बात करें तो 38% के शेयर होल्डर राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों हैं, लेकिन इसके अलावा जो मीटिंग्स हुई थी इस चीज को लेकर, क्या उसमें सोनिया गांधी उस मीटिंग्स को अटेंड की थी या नहीं की थी, क्या ऐसी जरूरत थी कि सोनिया गांधी को भी इसका डायरेक्टर बनना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस कंपनी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अलावा किसी और दूसरी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, जबकि इसके 5 जो और डायरेक्टर हैं यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के, वो लोग अलग अलग कंपनियों में भी डायरेक्टर हैं, कांग्रेस की जो दूसरी एंटिटीज हैं उसमें डायरेक्टर हैं, एजेएल में डायरेक्टर हैं, लेकिन गांधी परिवार से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा, सोनिया गांधी इस कंपनी के अलावा कहीं और डायरेक्टर नहीं है, तो वो सोनिया गांधी से जरूर पूछना चाहेंगे कि आखिरकार क्या ऐसी जरूरत थी कि आप यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर बन गई, क्या जो एजेएल की प्रॉपर्टीज थी उसको, जैसे जो इनकम टैक्स की असेसमेंट रिपोर्ट आई थी उसमें यह भी कहा गया था कि जो प्रॉपर्टीज एजेएल के नाम पर थी, एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के नाम पर थी, नेशनल हेराल्ड की पब्लिकेशन की, उस प्रॉपर्टीज का गलत इस्तेमाल भी हो रहा था, यानी कि उसको रेंट पे देना, इस तरह की बातें भी इनकम टैक्स ने अपने रिपोर्ट में की थी। तो क्या उससे जो फायदा हो रहा था, क्या वो फायदा कहीं गांधी परिवार को मिल रहा था या नहीं मिल रहा था, इन सभी सवालों को लेकर वो सोनिया गांधी से अलग से पूछताछ करना चाहेंगे और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सवाल और जवाब से मिलान भी करना चाहेंगे। ये ईडी का एक प्रोसेस होता है, वो सवाल सबसे पूछते हैं, थोड़ा हटकर सवाल वो दूसरे शख्स से पूछते हैं, क्योंकि ईडी को भी यह पता है कि राहुल गांधी से जो भी पूछताछ हुई है वो जरूर अपने वकीलों और इस मामले में सोनिया गांधी से भी बातचीत करेंगे। इसके लिए ईडी जो है सवालों की थोड़ी सी अलग लिस्ट बनाकर रखी है और सोनिया गांधी की भूमिका को लेकर वो जरूर सवाल करने वाले हैं कि ऐसी क्या जरूरत थी आपको कि आप इसकी डायरेक्टर बनी, जो प्रॉपर्टी से फायदा हो रहा था उसकी उससे क्या आपको कोई पर्सनल बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, मीटिंग्स को लेकर वो बातचीत होगी, मोतीलाल वोरा को लेकर बातचीत होगी, तो तमाम इस तरीके के सवाल है जो कि सोनिया गांधी को पूछे जाएंगे। अब देखना यही हुआ कि वो कल ईडी के सामने पेश होती हैं या नहीं होती हैं, क्योंकि अभी भी जो सूत्रों से पता चल रहा है कि शायद वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगी। ये जो जानकारी आप मुनीष दे रहे हैं कि शायद वो पेश नहीं होंगी, क्या इससे जुड़ी कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास है, जैसे कि क्या इस तरह की कोई अर्जी पहले से ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई है कि छूट दी जाए, कल उन्हें ना बुलाया जाए खराब सेहत, क्या ऐसी कोई पुख्ता बात भी सामने आ रही है? जी देखिए, इस सिलसिले में कल मैंने कई लोगों से बातचीत की क्योंकि सोनिया गांधी की पूछताछ होनी थी, तो मैंने जो ईडी के अधिकारी हैं उनसे बातचीत की, कुछ कांग्रेस के सूत्र हैं उनसे हमने बातचीत की, और दोनों जगह बातचीत करने के बाद में मुझे यह जानकारी मिली कि किसी तरह का एक वर्बल कम्युनिकेशन हुआ है कि शायद सोनिया गांधी नहीं आ सकती हैं, लेकिन आज एक अर्जी हो सकता है कांग्रेस की तरफ से आए और उस अर्जी में ये बोला जाए कि सोनिया गांधी की सेहत खराब है। अब उसमें दो चीज है, या तो सोनिया गांधी इस तरह की अर्जी दें कि आप मेरे घर पर आइए और मुझसे पूछताछ कर लीजिए क्योंकि मैं वहां पर नहीं आ पाऊंगे, या दूसरी अर्जी जो ये हो सकती है कि आप बाद में मुझसे पूछताछ कर लीजिए, और जिसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि सोनिया गांधी यही कहेंगे कि तबीयत खराब है मेरी, इसकी वजह से आप मुझे थोड़े और दिन की मोहलत दीजिए, तो जब मेरी तबीयत ठीक रहेगी उसके बाद ही मैं पूछताछ में शामिल हो सकती हूँ। और ईडी से जब हमने बातचीत की कि क्या इस तरह की अर्जी आने के बाद में उनकी आगे की कार्रवाई क्या होगी, तो उनका यही कहना था कि अगर किसी की सेहत खराब है तो वो उसको फोर्स नहीं करेंगे, वो बाद में पूछताछ कर लेंगे, और अगर सोनिया गांधी की अर्जी आज आती है तो उस पर वो जरूर
अमल करेंगे और अमल विचार करने के बाद में हो सकता है कि कोई आगे की डेट दे दी जाए या फिर सोनिया गांधी पर ही छोड़ दिया जाए कि जब आपकी तबीयत सही हो जाए तब आप हमें जानकारी दीजिए, उसके बाद पूछताछ की जाएगी। मुनीश, क्योंकि ये भी यहाँ समझना जरूरी हो जाता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रही है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये केंद्र सरकार की कोशिश है विपक्षी नेताओं को परेशान करने की, उनके खिलाफ बदले की राजनीति करने की। ऐसे में अगर सोनिया गांधी को ईडी की तरफ से मोहलत दी जाती है, क्या इसका इस पूरी कार्रवाई पर प्रभाव पड़ेगा, किसी तरह का असर पड़ सकता है ईडी की कार्रवाई पर? जी देखिए, बेहद जरूरी है क्योंकि जब से गांधी परिवार को समन हुआ था तब से मैं लगातार अधिकारियों से इसी बात को लेकर चर्चा कर रहा था कि आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी उनको कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ करनी पड़ी। उसमें जो ईडी के वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने मुझे साफ जानकारी दी कि इस पूरे मामले में 7 ऐसे लोग हैं जिनसे पूछताछ करनी थी। राहुल गांधी के पहले 5 कांग्रेस के नेता हैं जिनसे पूछताछ की गई, और अधिकारियों का यह भी कहना है कि जब उनको समन किया गया, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, तब कांग्रेस पार्टी ने किसी भी तरह का हंगामा नहीं किया, किसी ने अपना विरोध दर्ज नहीं कराया। लेकिन इसी मामले में जब 6ठे शख्स को समन किया गया, यानी कि राहुल गांधी को जब समन किया गया, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने लगातार विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। तो ईडी के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति हो रही है, लेकिन इस राजनीति की वजह से इस पूरे मामले की तह तक पहुंचना उनके लिए जरूरी है। राजनीति अपनी तरफ है लेकिन ईडी की कार्रवाई अपनी तरफ है। तो उन्होंने कहा कि हमने 5 जो इस मामले में नेता थे कांग्रेस के, उनसे पूछताछ कर ली। उनसे पूछताछ इसके लिए की गई क्योंकि वो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स थे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा। तो उन 5ों लोगों से पूछताछ करने के बाद में जो 6ठे और 7वें शख्स है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी है। इसके लिए राहुल गांधी को पूछताछ करने के लिए बुलाया गया, और राहुल गांधी से पूछताछ करने के बाद में एक ही शख्स बाकी रह जाता है, वो है सोनिया गांधी। इसके लिए वो सोनिया गांधी से पूछताछ करना चाहते थे। तो इसको लेकर मैंने कई अधिकारियों से बातचीत की, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि ये एक कार्रवाई है, इस कार्रवाई को पूरा करना जरूरी है क्योंकि जब तक सारे बयान दर्ज नहीं होंगे तब तक उन्हें यह नहीं पता चल पाएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में अगर कोई गड़बड़ी है तो उस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार कौन है। क्योंकि देखिए, जैसे यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में जब राहुल गांधी से इस बारे में पूछताछ की गई थी, उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया कि एजेएल या यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, इनको लेकर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए थे उसके लिए मोतीलाल वोरा जिम्मेदार है, क्योंकि वो दोनों ही जगह पे, और वो एआईसीसी के भी, यानी कि एआईसीसी, एजेएल और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, इन तीनों जगह पे ऑथोराइज सिग्नेटरी यानी कि उनके हस्ताक्षर के बाद ही जो पैसों का लेन देन था इधर उधर हुआ था। चूंकि मोतीलाल वोरा अब जिंदा नहीं है, इसके लिए राहुल गांधी को यह जानकारी नहीं है कि आखिरकार किन वजहों से पैसों का हेरफेर हुआ या फिर जो प्रॉपर्टीज यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास में आने थे वो पैसे कैसे आए, कलकत्ता की कंपनी से कैसे पैसे आए, इसके लिए मोतीलाल वोरा जिम्मेदार थे। लेकिन ईडी का तो साफ तौर पर यही कहना है कि जब इस मामले से जुड़े शख्स की पूछताछ नहीं होगी तो आखिरकार वो तह तक कैसे पहुंचेंगे। कांग्रेस इस तरह के आरोप जरूर लगा रही है, उनका ये कहना है कि उनके बड़े नेता को परेशान किया जा रहा है, उनसे कई घंटों तक पूछताछ की जा रही है। लेकिन ईडी तो यही कह रही है कि इस मामले में जो हमने पहले लोगों को बुलाया कांग्रेस के, तब किसी ने हंगामा नहीं किया, लेकिन जैसे ही गांधी परिवार को हंगामा किया तो उन्हें लगता है कि ये एक राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा है।